अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ चना चाट। तो ये मैंने एक कटोरी चना लिया है, उबला हुआ चना है। ये मैंने रात में भिगो के उबाल लिया है मैंने इसे, नमक डाल के। और ये मैंने चाट मसाला लिया है। ये मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है जिसे मैंने बहुत बारीक काट लिया है। एक टमाटर लिया है छोटा सा, इसे भी बारीक काट लिया है। और ये दो हरी मिर्च ली है, इन्हें भी बारीक बारीक काट लिया है। और ये एक चम्मच बारीक कटा हुआ पुदीना है। आप चाहे तो इसकी जगह धनिया भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने अपने गैस पे एक फ्राई पैन रख लिया है और मैंने इसमें एक टेबल स्पून ऑयल का डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इन्हें हल्का सा फ्राई हो जाने देना है हमें, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है हमें। तो हमारी प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे चना, इसे भी मिलाएंगे हम इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, टमाटर और अपना ये चाट मसाला थोड़ा सा ही डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हमने जो चने उबाले थे उसमें हमने नमक डाला था और चाट मसाला में भी नमक होता है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे हम इसमें। तो बस गैस का फ्लेम मैंने कम रखा हुआ है। अब हम इसे 2 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो हमारी चना चाट को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है और ये पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ये आधा नींबू का जूस। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं। तो लीजिए, हमारी चना चाट बनके तैयार हो गई है। और अब हम इस पे थोड़ा सा धनिया का, पुदीने का पत्ता भी डाल देते हैं। पुदीने का पत्ता लिया है मैंने, आप चाहे तो धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। गर्मा गर्म चना चाट बन के तैयार हो गई है। आप इसे नाश्ते में हल्की फुल्की भूख में खा सकते हो। जब भी आपका मन हो जब भी बनाइए, खाइए और खुश रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।